Loving and fighting, accusing and denying. I can't imagine a world with you gone. The joy and the chaos, the demons were made up. I'd be so lost if you left me alone. You locked yourself in the bathroom, lying on the floor when I break through. I pull you in to feel your heartbeat. Can you hear me screaming? Please don't. Good morning, Rishikesh. Good morning, guys. Abhi time aa gaya Rishikesh ko chhodne ka, to ये हैं वो गलियां जिन्हें हम लास्ट बार मिल रहे हैं, मतलब लास्ट बार मतलब इस ट्रिप में मिल रहे हैं, तो यहाँ अभी आना जाना लगा ही रहेगा और दोबारा कब आते हैं वो नहीं पता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हमने। होटल काफ़ी अच्छा था हमारा और यार व्यू बहुत अच्छे हैं, यहाँ सामने गंगा है और आसपास में दो चार छोटी बड़ी ट्रैकिंग्स हैं, पटना फॉल है और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि उतने ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आए थे। अभी फ़िलहाल हम निकल रहे हैं देहरादून के लिए, हमने आज एक्सप्लोर करना है जॉर्ज हिल और देखेंगे अगर उसके बाद टाइम लगा तो कुछ और भी एक्सप्लोर कर लेंगे, और अगर प्लान बनता है कि आज हम देहरादून में रुकते हैं तो फिर कल एक दो चीज़ें और हमारे माइंड में हैं, तो देखते हैं क्या प्लान बनता है, कैसे बनता है, क्योंकि हम कुछ भी प्लान बना के नहीं निकले हैं। फ़िलहाल ऋषिकेश से निकल रहे हैं और मेन ऋषिकेश में हमें मिलने वाले हैं सागर भाई, तो सागर भाई के साथ निकलेंगे और जिस रूट से आज हम जाने वाले हैं रूट बहुत खूबसूरत है, तो आप वीडियो में बने रहें और बस आखिरी बार ये देख लो ऋषिकेश के लास्ट व्यूज़। ये है राम झूला, आपने पहले भी मेरे वीडियो में देखा होगा, एक बार फिर से देख लो, खूबसूरत है ये, देख लो लेफ्ट साइड में मेरे गंगा फिरते, यहाँ से क्लियर व्यू आ रहा होगा। ओके और फिलहाल हम आ चुके हैं बाहर, बाहर नहीं मतलब अभी भी गली में ही हैं, बस सामने थोड़ा सा रह गया है। यहाँ से एक राइट मारेंगे, राइट भी क्या मारेंगे, हल्का सा मुड़ना है ऐसे, और ये आ गया मेड्रास कैफ़े मेरे राइट में, ये भी काफ़ी फेमस है यहाँ। और पीछे जो आपने चोटी वाला अगर नोटिस किया हो जब मैं आ रहा था, तो वहाँ हमने हमारा जब पहला दिन था यहाँ तो हमने डिनर किया था। तो हेयर वी आर एट द मेन रोड, फिलहाल अब हम ऋषिकेश को बाय बाय बोलेंगे क्योंकि यहाँ से ऋषिकेश का बॉर्डर ख़त्म हो जाता है इस फ्लाईओवर के बाद से। पर एक चीज़ है कि ये रूट होने वाला बड़ा सुंदर है, मैं अभी से कह सकता हूँ क्योंकि मुझे अपने दोनों तरफ ग्रीनरी दिख रही है। योगी नगरी नगर निगम ऋषिकेश में आगमन पर आपका धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका भी। एंड मेरे राइट में दिख रहा है कि जैसे यहाँ कोई रिवर हुआ करती होगी जो कि अभी सूख चुकी है। लेफ्ट में दिख रहा है प्योर एक जंगल, ये आई गेस राजा जी नेशनल पार्क होगा क्योंकि ये ऋषिकेश के चारों तरफ मतलब दो तरफ से फैला हुआ है शायद, और काफ़ी बड़ा पार्क है। चलो जी मज़ा आ रहा है। तो फ़िलहाल सागर और सागर का जो फ्रेंड है वो काफ़ी पीछे है हमसे, उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला है कि हम आगे चलें वो हमें कैचअप कर लेंगे। तो एक काम करते हैं थोड़ा स्लो चलते हैं, मतलब 50-60 चलते हैं, काफ़ी सही रूट है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि टाइम हो गया है, अब तो पूरा 11 बज चुके हैं, तो 11 बज रहे हैं दोपहर के और धूप भी अच्छी खासी निकल गई है। तो सागर तो फ़िलहाल कॉल नहीं उठा रहा है, मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर वेट कर लेते क्योंकि साथ चलने में ज़्यादा मज़ा आता, ऐसे अकेले में पहुंच तो जाऊंगा लेकिन वो मज़ा नहीं आने वाला है। यहाँ से मसूरी पहुंचने में लगेंगे करीब 2 घंटे। क्या करें, अरे ऑल राइट, तो ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा, मैंने रोका और ये 2 मिनट के अंदर यहाँ आ गए हैं, वेरी गुड। मैं सोच रहा था हिमालयन आएंगे क्योंकि इन्होंने हिमालयन बोला था, अब ये ग्लैमर लेके आ गए हैं। खैर जो भी है, बाइक से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बाइक मैटर नहीं करती है, मैटर करती है चलाने वाले की स्पिरिट और
सागर को भी राइड करते हुए काफ़ी टाइम हो गया और इतने टाइम से पहाड़ों पे ही राइड कर रहा है, तो आई गेस ट्रेंड हो चुका होगा। और बाकी कितना ट्रेंड है वो एक दो दिन में तो हमने देखा ही है। अच्छा खासा स्कूटी चला रहा था, फर्स्ट टाइम हमारे साथ बाइक चला रहा है, तो देखते हैं बाइक में कैसी हैंडलिंग होती है सागर की। और सागर के साथ सागर का फ्रेंड भी आया है, आई एम सॉरी मुझे नाम तो नहीं पता है कि कौन है। आगे जब मसूरी में रुकेंगे या बीच में कहीं रुकेंगे तो मैं नाम पूछ लूँगा और आपको इंट्रोड्यूस भी करा दूँगा। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं आगे के लिए। और फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं, कोई एयरपोर्ट है यहाँ, अब कौन सा है मुझे नहीं पता, बट पीछे बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ से 1 किलोमीटर है। एक्चुअली नाश्ता हमने कर लिया तो भूख नहीं लग रही है, लेकिन ये छोटे छोटे से जो रोड साइड कैफेज़ हैं इन्हें देख के रुकने का बड़ा मन कर रहा है। देखते हैं वापस आते टाइम अगर मौका लगा तो यहाँ कहीं किसी अच्छे से कैफे में रुकेंगे, काफ़ी टेम्प्टिंग है। मसूरी से ऊपर हमें जॉर्ज एवरेज जाना है जहाँ ट्रैक भी करना है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम आज ही वापस जाने का प्लान कर रहे हैं। अगर भाई साहब हम आज ही वापस गए ना फिर तो हमारी लग जाएगी। या सबसे बड़ी बात यह ना कि बाइक भी प्रॉपर साथ दे नहीं रही है, अगर बाइक साथ देती ना फिर तो मैं खींच दूंगा, पर बाइक भी साथ नहीं दे रही। एक काम करेंगे, दिल्ली जाके तो जो करना है वो तो करना ही है, अभी किसी मैकेनिक को दिखा के ना इसका क्लच लीवर एडजस्ट करा लेंगे थोड़ा सा, ताकि गियर ना अटके, क्योंकि क्लच लीवर टाइट होने की वजह से ये भी हो सकता है कि रास्ते में कहीं गियर वायर क्लच वायर टूट जाए, और वो टूट गई ना तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता फिर। ऑलराइट गाइस, तो अभी प्लान में हुआ एक सडन चेंज, हम लोग हमें जाना था जॉर्ज एवरेस्ट, पर क्योंकि बाइक धोखा दे रही है पीछे बाइक स्टार्ट होना बंद कर गई थी, तो उस वजह से अब हम जॉर्ज एवरेस्ट ना जाके सिर्फ मसूरी जा रहे हैं और देखते हैं क्या हो सकता है, क्या बन पड़ता है वहाँ। आई गेस 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे, अब हम ज़्यादा दूर नहीं रह गया, 13-14 किलोमीटर है यहाँ से। बाइक में पावर पूरी है, लेकिन वही है कि टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से दिक्कत कर रही है, पावर का कोई कमी नहीं है इसमें, मतलब इंजन तो दमदार है भाई, 400 cc इंजन बहुत होता है, बट वही है कि अगर टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो रही है बाइक में तो फिर क्या ही करेगी पावर भी। तो फिर यार यहाँ लगा देते हैं। तो फाइनली हम मसूरी तो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बाइक में प्रॉब्लम हो गई है, हम जा रहे हैं नीचे वापस, किसी मैकेनिक को दिखाएंगे, अगर कुछ रिपेयर होने लायक है तो रिपेयर कराएंगे, वरना फिर दिल्ली निकलना है किसी भी तरीके से, छोटा मोटा कुछ हुआ तो फिर यहाँ करा लेंगे। पर सीरियसली यार बजाज ने धोखा दे दिया है, और एक बार नहीं दिया है, दूसरी बार हो गया है, और अब मतलब कहते हैं दिल उतर गया मेरा बाइक से ही, अब मेरा ना और ज़्यादा टाइम इस बाइक को रखने का मन है नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ब्लॉग एंड करने का मन कर रहा है क्योंकि अब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। देखते हैं मैं कुछ ड्रोन शॉट्स वगैरह अगर यहाँ हो सकते हैं अच्छे तो वो लेता हूँ, उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे फिर फटाफट। पहाड़ों में खो गया मेरा दिल,
कहीं दूर पहाड़ों में खो गया।